हाय, मैं हूँ अमृता और आज मैं आपके लिए एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी लेके आई हूँ, मदर। मूवी में कैरेक्टर के खास नाम नहीं दिए गए हैं। जो लीड एक्ट्रेस है उसे मदर कहा गया है, तो वही उसके हस्बैंड को हिम कहा गया है। मूवी जब शुरू होती है तब हम एक लड़की को आग में जलते हुए देखते हैं, जिसके बाद हम हिम नाम के एक आदमी को देखते हैं। हम हिम को एक क्रिस्टल को एक जगह पे रखते हुए देखते हैं और देखते ही देखते पूरा घर बिल्कुल पहले जैसे हो जाता है। घर के बाहर का माहौल भी पूरा शांत रहता है। जंगल के बीचों बीच में इनका घर था और बेडरूम में हम देखते हैं कि एक राख से एक लड़की बनती है जिसका नाम मदर होता है। मदर बेड से उठती है और हिम को देखने के लिए जाती है और दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। हिम राइटर था लेकिन काफी दिनों से नॉवेल नहीं लिखने के कारण काफी परेशान था, इसीलिए मदर हिम को हार ना मानने के लिए कहती है और वो नहाने के लिए चला जाता है। मदर घर में काम ही कर रही होती है कि तभी उसे किसी के दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई देती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। फिर रात को उनके घर पे कोई अनजान आदमी आता है जिसका नाम मैन होता है और वो हिम को कहता है कि वो पास के ही हॉस्पिटल में एक सर्जन है और वो अपने रिसर्च पे एक पेपर पब्लिश करना चाहता है जिसके लिए उसे एक शांत जगह की जरूरत है और वो इनके घर में रहना चाहता है। हिम सोचता है कि ये एक डॉक्टर है, रेप्यूटेड इंसान है, इसी कारण से वो अपने घर में उसे रहने के लिए जगह देता है। मदर पहले तो मना करती है लेकिन हिम के काफी समझाने के बाद वो मान जाती है। इसके बाद हम मैन को देखते हैं जो हिम की कुछ पहले लिखी हुई कविता को पढ़ता है और कहता है कि वो उसका बहुत ही बड़ा फैन है। ये सुनकर हिम को भी काफी अच्छा लगता है। फिर मैन वहाँ एक क्रिस्टल को टच करने के लिए जाता है, पर हिम उसे कहता है कि ये बहुत ही ज्यादा खास गिफ्ट है और मुझे ये तब मिला था जब मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया था, और मैन को उसे छूने से मना करता है। अब जाते हुए मैन बहुत अजीब तरीके से खांसने लगता है। हिम उससे फिर पूछता है कि क्या आप ठीक हो, तो मैन कहता है कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो यहाँ पे हम मदर को देखते हैं जो बेसमेंट में जाती है। यहाँ पे मदर को कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और उसे ऐसा लगता है जैसे दीवार पर कोई कुछ मार रहा है, पर मदर इन सब पर ध्यान नहीं देती और वापस ऊपर चली जाती है, जहाँ पे हम देखते हैं मैन उल्टी कर रहा होता है। हिम मदर से कहता है शायद मैन ने कुछ ज्यादा ही शराब पी ली है और इसी कारण से उसकी हालत खराब है और कुछ नहीं। अब अगले दिन सुबह उठकर हिम मैन की बहुत ही तारीफ करने लगता है और यहाँ पे मदर सोच में पड़ जाती है कि रात में ऐसा क्या हो गया जो हिम अब मैन की इतनी तारीफ करे जा रहा है। इससे पहले कि मदर कुछ समझ पाती, इनके घर की घंटी बजती है। मदर दरवाजा खोलने जाती है तब पता चलता है कि वहाँ पे एक औरत है और वो घर में आए हुए मेहमान यानी मैन की वाइफ थी, जिसे मूवी में विमेन कहा गया है। अब उस डॉक्टर की वाइफ आई है, ये देख मदर थोड़ी परेशान होती है और वुमेन मैन को गले लगाती है और दोनों भी बहुत ही ज्यादा इंटीमेट होने लगते हैं और घर में यहाँ वहाँ एक दूसरे को किस करने लगते हैं। ये देखकर मदर बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। मैन और वुमन बताते हैं कि उनके दो बेटे हैं और वो लोग हिम के काफी बड़े फैन हैं, इसीलिए हिम उन्हें वहाँ पे रुकने देता है। इस बात से परेशान होकर मदर हिम पे गुस्सा होती है और पूछती है कि तुम्हें मुझसे क्यों नहीं पूछना, तो वो उसे समझाता है कुछ दिनों में ही ये लोग निकल जाएंगे। वही मदर को ये सारी चीजें अजीब लग रही होती है। इसके बाद वुमन यानी डॉक्टर की वाइफ मदर की पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने लगती है कि तुम्हें बहुत जल्दी अपने बेबीज करनी चाहिए, जिस पर मदर कहती है कि वो पहले अपने घर को अच्छे से बनाना चाहती है जिसके बाद ही वे लोग फैमिली का सोचने वाले हैं। लेकिन वुमन उसे ताना मारते हुए कहती है ये घर सजाना तो चलता रहेगा, पहले तुम्हें सब फैमिली का सोचना चाहिए। तभी मदर वुमन को अपना पूरा घर दिखाने के लिए जाती है और तभी वुमन हिम के स्टडी रूम में जाने लगती है, लेकिन मदर वुमन को कहती है कि हिम को पसंद नहीं आता कि कोई भी बाहर के लोग उसके रूम में जाए। वही हम घर के बाहर मैन और हिम को घूमते हुए देखते हैं। थोड़े समय के बाद हिम घर पे आता है और मदर को बताता है कि मैन जल्द ही मरने वाला है और उसकी आखिरी इच्छा थी कि वो अपने फेवरेट राइटर के पास रुकना चाहता है यानी हिम के पास, और इसीलिए वे लोग यहाँ पे रुकने आए हैं। फिर हम डॉक्टर और उसकी पत्नी यानी मैन और वुमन को उनके रूम में जाते हुए देखते हैं और उसका जो क्रिस्टल रहता है उसे धक्का लग के वो टूट जाता है।
अब इसके कारण हीम बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये उसका फेवरेट क्रिस्टल रहता है और अपने रूम में जाकर वो उसे बंद कर देता है। तो वही मदर मैन और वुमन को घर से निकालने का कहती है। अब ये सब कुछ चल ही रहा था, इसी के बीच में मैन एंड वुमन के दो बेटे रहते हैं, वो उनके घर पे आ जाते हैं और अपने माँ और पिता के साथ झगड़ा करने लगते हैं प्रॉपर्टी को लेकर। दरअसल यहाँ पे मैन मरने वाला था, इसीलिए उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी अपने छोटे बेटे के नाम कर दी थी, जिसके वजह से उसका बड़ा बेटा बहुत ही गुस्सा होता है। दोनों भाइयों की लड़ाई शुरू होती है और बड़ा बेटा छोटे बेटे को बहुत ही मारता है और वहाँ से भाग जाता है। यहाँ पे हीम मैन और विमेन उसे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे होते हैं, लेकिन ये लोग जैसे ही घर से बाहर आते हैं वो लोग गायब हो जाते हैं। जी हाँ, अचानक से गायब हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। इसके बाद मदर जब जमीन से खून साफ कर रही होती है, तभी उसे नीचे बेसमेंट में छुपा हुआ दरवाजा मिलता है। जब वो दरवाजे के अंदर देखने जाती है तो वो देखती है कि वहाँ पे एक ऑयल टैंक होता है। अब थोड़े समय के बाद हीम घर आता है और मदर को बताता है कि मैन का छोटा बेटा मर गया है, और देखते ही देखते वहाँ पे मैन, उसकी पत्नी और उसके कुछ रिलेटिव्स भी आ जाते हैं, और धीरे ही धीरे वहाँ पे बहुत सारे लोग इकट्ठा होने लगते हैं, जिससे मदर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि जो बाहर से लोग आए होते हैं वो अपने मर्जी से सारा सामान यहाँ वहाँ पे फैला रहे थे। कोई बेडरूम में जा रहा था तो कोई कुछ सामान तोड़ देता है। मदर के बोलने पर भी वो लोग उसकी बात नहीं सुनते। उनमें से ही एक आदमी घर के सिंक का एक पाइप भी तोड़ देता है, जिसके कारण चारों तरफ पानी ही पानी होता है। मदर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसीलिए फाइनली वो गुस्से में चिल्लाते हुए सबको बाहर निकाल देती है और वो हीम पर ही गुस्सा करने लगती है कि तुम्हारे कारण इतने सारे लोग घर में आए हैं। मदर हीम से कहती है कि तुम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हो, मेरी तुम्हें जरा भी परवाह नहीं है। ये पूरा घर मैंने तुम्हारे लिए बनाया था, लेकिन तुमने आज तक उसकी जरा भी तारीफ नहीं की है। अब मदर को शांत करने के लिए हीम कहता है कि नए नए लोगों से मिलने के कारण उसे अपने काम के लिए इंस्पिरेशन मिलती है, और इसी कारण से वो उन्हें आने दे रहा था। और थोड़ी देर के बाद वे लोग शांत हो जाते हैं। अब अगली सुबह मदर हीम को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर हीम को एक स्टोरी याद आती है, जिसे वो लिखना शुरू कर देता है और स्टोरी खत्म करके तुरंत उसी वक्त अपने पब्लिशर को पब्लिश करने के लिए देता है। अब देखते देखते कुछ समय बीतता है और मदर अपने आने वाले बच्चे की तैयारी करना शुरू कर देती है। वही हीम की बुक भी पब्लिश हो जाती है और वो बुक बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाती है, और मदर इसी खुशी का सेलिब्रेशन करने के लिए बहुत ही अच्छा डिनर बनाती है। लेकिन उसी वक्त हीम के काफी सारे फैंस घर में आने लगते हैं और हीम का इंटरव्यू लेना शुरू करते हैं, और कोई हीम के साथ फोटोग्राफ ले रहा था। हीम मदर को भी उनसे इंट्रोड्यूस करवाता है, पर मदर इतने सारे लोगों के अचानक आने के कारण परेशान होती है और हीम से कहती है कि इन्हें वापस भेज दो, मुझे तुम्हारे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। लेकिन हीम कहता है कि ये बहुत सारे लोग दूर से आए हैं, इन्हें मेरा काम पसंद है, हमें इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए, और बहुत जल्दी वे लोग यहाँ से चले जाएंगे। और वो उन लोगों को अपना इंटरव्यू देने लगता है, लेकिन इन बात से मदर परेशान होकर गेट बंद कर देती है। लेकिन इसके बावजूद उसके फैंस आ ही रहे थे और उनका वॉशरूम भी बिना किसी को पूछे वो लोग यूज करने लगते हैं, और साथ ही घर में पूरी तोड़फोड़ करने लगते हैं और काफी सारी चीजें भी चुराने लगते हैं। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो पूरा घर का जो सेटअप रहता है वो भी बदलने लगते हैं, जैसे कि सामान इधर उधर रखना। ये सब कुछ देखकर मदर वापस गुस्सा हो जाती है, लेकिन हीम को इस बात की कुछ भी पड़ी नहीं थी और वो अपने फैंस के साथ खोया हुआ था। और मदर उसे ये सब बताने पर हीम कहता है कि कोई बात नहीं, ये लोग जल्दी चले जाएंगे। यहाँ पे मदर भीड़ को बढ़ते हुए देख पुलिस को कॉल कर देती है, क्योंकि भीड़ रुक ही नहीं रही थी। फिर पुलिस वहाँ पे आ जाते हैं और वो भीड़ को छोड़कर उन्हीं के ऊपर पेपर स्प्रे मारने लगती है। मदर बचते हुए अंदर के एक रूम में चली जाती है और इनकी बहुत ही ज्यादा लड़ाई शुरू हो जाती है। वही मदर को लेबर पेन शुरू हो जाता है। अब थोड़ी देर के बाद वहाँ पे मिलिट्री के लोग आ जाते हैं और गोलियां चलाते हैं, और देखते ही देखते चारों तरफ लाशें ही लाशें होती है। फिर मदर को उसके रूम में लेके जाया जाता है ताकि वो वहाँ पे बेबी को जन्म दे। फिर मदर एक लड़के को जन्म देती है। तभी मदर हीम को कहती है कि जो भी लोग हैं उन्हें जाने के लिए कहो, मुझे कुछ प्राइवेसी चाहिए। लेकिन हीम कहता है कि ये सब लोग हमारे बच्चे को देखना चाहते हैं, जिस पर मदर मना कर देती है। लेकिन हीम बच्चे को मांगता है पर मदर नहीं देती। लेकिन फिर हीम उसी के साथ वहाँ पे बैठ जाता है। यहाँ पे मदर की आंख लग जाती है और हीम तभी उस बच्चे को लेकर बाहर
चला जाता है। सब उस छोटे बच्चे को हाथ में उठाकर एक दूसरे को दे रहे होते हैं और इतने में ही उस बच्चे के गर्दन को चोट लग जाती है और वो बहुत ही जोरों जोरों से रोने लगता है, चीखने लगता है, जिससे मदर की नींद खुल जाती है और वो भीड़ में आकर अपने बच्चे तक पहुंच जाती है और वो देखती है कि वहां पे जो भी खड़े हुए लोग थे वो उसके बेबी को खा रहे होते हैं। वो ये देख सब पर गुस्सा होती है और वहां पे रखे हुए कांच से सबको मारने लगती है। ये देखकर सभी लोग मदर को भी मारने लगते हैं, लेकिन ही मदर को बचाता है और मदर से कहता है कि वो बस बच्चे को देखना चाहते थे, लेकिन गलती से ये सब कुछ हो गया। इतना ही नहीं, आगे हिम कहता है हमें इन सबको माफ कर देना चाहिए। मदर हिम को कहती है कि तुम बहुत ही अजीब इंसान हो, पूरी तरीके से पागल हो गए हो, और वहां से बेसमेंट में चली जाती है जहाँ पे ऑयल टैंक होता है। फिर वो उस टैंक को खोलती है और कहती है कि तुम लोगों ने सब कुछ खत्म कर दिया है, मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया पर तुमने सिर्फ खुद का और खुद के लोगों के बारे में ही सोचा, एक बार भी मेरा नहीं सोचा। और ये कहकर मदर उस टैंक में आग लगा देती है जिसके कारण बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और सब कुछ जलने लगता है। वहां जितने भी लोग होते हैं सब मारे जाते हैं। और यहाँ पे ही मूवी के स्टार्टिंग का सीन आता है जो हमने देखा था, आग लगी हुई थी, मदर पूरे तरीके से जल रही होती है, पर हिम को कुछ भी नहीं होता। वो मदर को उठाकर एक जगह पे लेके जाता है और मदर से कहता है काफी सारी चीजें इस दुनिया में अधूरी ही रह जाती है, और मदर से कहता है कि मैं तुमसे आखिरी चीज चाहता हूँ। तो मदर उसे कहती है मेरे पास देने के लिए तुम्हें कुछ भी नहीं बचा। और तभी हिम कहता है मैं तुम्हारा प्यार चाहता हूँ, यानी उसका हार्ट। मदर कहती है कि ठीक है। फिर हिम मदर का दिल निकाल लेता है और जैसे ही मदर का दिल निकालता है वो पूरी तरीके से पत्थर में बदल जाती है और दीवार के अंदर का दिल भी धड़कना बंद कर देता है। हिम इसके बाद उस दिल को तोड़ता है जिसमें से एक क्रिस्टल निकालता है, फिर वो क्रिस्टल को एक जगह पे रख देता है। फिर हम देखते हैं कि वो घर वापस पहले जैसा बन गया था, जैसे वो जला ही नहीं था। और वैसे ही हम मदर को बेडरूम से उठते हुए देखते हैं और हिम को वो ढूंढने लगती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी का पूरा रेफरेंस बाइबल के पहले वाले वर्जन से लिया गया है। मूवी के कैरेक्टर जैसे हिम जो कि एक राइटर होता है वो दरअसल ईश्वर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हिम एक क्रिएटर होता है, हिम ईश्वर है, इसीलिए वो पूरी मूवी में अपने फैंस के करीब होता है, उनके गलतियों को भी वो नजरअंदाज कर देता है। वही मदर जो कि अर्थ को रिप्रेजेंट करती है जिसे बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाता है, और मदर ये सारी चीजें देख के काफी परेशान होती रहती है। उसका बनाया हुआ घर इंसान डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसी तरह जैसे इंसान आज के समय में अर्थ को बर्बाद कर रहे हैं। उसका दूसरा क्रिएशन यानी उसका बेबी, उसे भी इंसान अपने लालच के लिए यूज करता है। वैसे ही मूवी में लोगों के बढ़ने से मदर को काफी ज्यादा इश्यू होने लगते हैं, क्योंकि उसने जो चीज बनाई थी यानी कि उसका घर, ये अर्थ, ये पूरी तरीके से विनाश की तरफ जा रहा था, क्योंकि जैसे जैसे उस घर में लोग बढ़ते जा रहे थे उनकी हरकतें, उनके बुरे काम भी बढ़ते जा रहे थे। तो वही मैन और वुमन दरअसल एडम और ईव को रिप्रेजेंट करते हैं, और उनके जो दो बच्चे थे वो दरअसल केन और एबेल को रिप्रेजेंट करते हैं। और घर एक खूबसूरत जंगल के बीचों बीच था, वो दरअसल गार्डन ऑफ ईडन जैसा था। मूवी के अंत को देखते हुए हमें समझ आता है कि मदर के घर में सिर्फ इंसानों की बुराई ही थी और इंसान की यही हरकत एक दिन विनाश का कारण बन जाती है, यानी कि अर्थ एक दिन खुद का ही विनाश कर देती है जिसमें ये पूरी दुनिया और बुराई का अंत होता है। लेकिन उसके बाद ईश्वर जो कि एक क्रिएटर रहता है, उसे हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएट करना था, वो इस दुनिया को वापस बसाता है। यही मूवी का अर्थ था। वेल, मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।